नेशनल पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस को शुरुआत से ही भारी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है, लेकिन अब स्थिति बदल रही है क्योंकि इस स्कीम के रिटर्न अब सुधर रहे हैं। एनपीएस में निवेश के इक्विटी, सरकारी प्रतिभूति और कॉर्पोरेट बॉन्ड सहित तीन विकल्प हैं। पिछले 12 साल के दौरान इक्विटी योजनाओं के तहत निवेशकों को 12% से अधिक तक का रिटर्न मिला है। इस दरमियान सरकारी प्रतिभूतियों ने 9.9% जबकि कॉर्पोरेट बॉन्ड ने विभिन्न परेशानियों के बावजूद 9.59% रिटर्न दिया है। लंबी अवधि में रिटर्न को काफी बेहतर माना जा सकता है। पेंशन नियामक को शायद यह बात अब समझ आ गई है। PFRDA के चेयरमैन सुप्रतिम बंदोपाध्याय ने संकेत दिए हैं कि NUT के अलावा कुछ ऐसे उत्पादों पर विचार किया जा सकता है जो PFRDA एक्ट में बदलाव के बिना जारी किए जा सकें। इनमें कुछ उत्पाद महंगाई दर से जुड़े हो सकते हैं, यानी महंगाई बढ़ेगी तो रिटर्न भी सुधरेगा। यदि बैंकों की FD से तुलना करें तो विभिन्न अवधि की योजनाओं में सालाना 6-7% का रिटर्न मिल रहा है। जो लोग आयकर से ऊपरी स्लैब में आते हैं उनका शुद्ध रिटर्न घटकर करीब 4% ही रह जाता है, जो महंगाई को मात देने में कारगर नहीं है। पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी PFRDA के चेयरमैन सुप्रतिम बंदोपाध्याय का कहना है कि NPS ने पिछले 12 साल के दौरान इक्विटी से जुड़े विकल्प में 12% से अधिक का रिटर्न दिया है। किसी भी व्यक्ति या अंशधारक को इस उत्पाद से अधिकतम लाभ हासिल करने के लिए इसमें निवेश जल्द शुरू करना चाहिए। निवेश के लिए वही उत्पाद बेहतर माने जाते हैं जिनमें महंगाई को मात देने की क्षमता हो। इस कसौटी पर NPS खरी उतर रही है। मौजूदा रिटर्न से तुलना करें तो ये महंगाई दर की तुलना में 2 गुना तक है। टैक्स एवं इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन कहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद खुशहाल जीवन गुजारने के लिए NPS में निवेश अच्छा विकल्प है। अपने पोर्टफोलियो में NPS को जरूर शामिल करना चाहिए। टैक्स के नजरिए से देखें तो इस योजना में दोहरा लाभ मिल रहा है। इस योजना में 50,000 रुपए के निवेश पर आयकर में विशेष कटौती की सुविधा है। इस तरह ऊपरी स्लैब में आने वाले व्यक्ति हर साल करीब 17,000 रुपए तक की बचत कर सकते हैं। NPS में इतनी खूबियां हैं तो फिर ये लोकप्रिय क्यों नहीं हो पा रही? विभिन्न राज्यों के सरकारी कर्मचारी इससे क्यों छुटकारा पाना चाहते हैं? इस बारे में बलवंत जैन कहते हैं कि NPS में निवेशक को 60 साल तक की आयु तक निवेश करना होता है। इसके बाद 60% रकम तो हाथ में मिल जाती है, लेकिन 40% राशि से बीमा कंपनी से पेंशन के लिए NUT खरीदने की बाध्यता है। इस योजना की यही सबसे बड़ी खामी है। जब सरकार निवेशकों को PPF और EPF में रिटायरमेंट के बाद पूरा पैसा निकालने की छूट दे रही है तो फिर NPS में ऐसा क्यों नहीं? दरअसल NUT योजनाओं में सालाना 5-6% से ज्यादा का रिटर्न नहीं मिल पाता, इसलिए लोग इस योजना में निवेश से बचते हैं। Money9 की सलाह: निवेश के लिए NPS एक अच्छी योजना है। इसमें महज 1,000 रुपए से भी निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। इसमें जब चाहें निवेश बढ़ा सकते हैं। अगर आप निजी क्षेत्र में जॉब करते हैं तो इस योजना में जरूर शामिल होना चाहिए।